गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन आवर लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट एनिमल, हाउ एनिमल आर यूजफुल अस एंड व्हाट थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल. नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ एनिमल आर हेल्पफुल फॉर अस. एनिमल हमारे काम में हमारी कैसी मदद करते हैं. ओके, सो ऑक्सन हेल्प्स फार्मर इन द फील्ड. ऑक्सन यानी कि बैल जो होता है वो हमारी मदद करता है फील्ड में. फील्ड खेतों में हमारी हेल्प करता है. कौन करता है? ऑक्सन हमारी खेतों में जो फील्ड को प्लग करने में ऑक्सन हमारी मदद करता है. ओके, कैमल्स बुलक एंड हॉर्स पुल कार्ट. कार्ट यानी कि जो गाड़ी होती है, ये आपको दिख रही है, दिस इज कार्ट. ओके, कैमल वुड बुलक और हॉर्स जो होते हैं वो कार्ट पुल करने में हमारी मदद करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सामान होता है. देखिए एलिफेंट है ना, यहाँ पर देखिए कैमल को क्या, इसमें बहुत सारा सामान है तो एक एक नॉर्मल इंसान के लिए इसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा वेट होता है इसका. तो वी हम वहां पे एनिमल्स की हेल्प लेते हैं और नीचे पहिया लगा देते हैं ताकि एनिमल जब उसको पुल करे तो वो आसानी से उसके साथ चले जाए, कैरी कर सके उस लोड को, है ना. तो एज अ बुलक की तरह हम यूज करते हैं. और समटाइम्स जैसे कि हॉर्स है उसे टांगा भी बोलते हैं ना, टांगे पे बैठ के लोग, पहले के टाइम पे जब ये हमारे पास व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट नहीं था तो लोग टांगे पे बैठ के ट्रेवल करते थे, बुलक पे, बुलक कार्ट के ऊपर, कैमल कार्ट के ऊपर, इन पे बैठ के लोग पहले के टाइम पे ट्रेवल करते थे. तो ये मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हुआ करता था पहले के टाइम पर. और अब तो आपके पास कार है, स्कूटर है, मेट्रो रेल है, मोनो रेल है, तो आप इनका यूज करके आसानी से ट्रेवलिंग कर सकते हो. पहले के टाइम पे नहीं था तो हम इनका यूज करते थे. एनिमल्स एंड डोंकी कैरी लोड्स. एनिमल और डोंकी का यूज किया जाता है लोड्स को कैरी करने के लिए, वह भारी वजन को उठाने के लिए. यहाँ पर आप देखिए एक एलिफेंट है जो कि बहुत सारी लकड़ियों को लोड को कैरी करके ले जा रहा है. एनिमल बहुत ही ज्यादा हैवी और लार्जेस्ट एनिमल है ना लैंड पे, तो इसीलिए उसके लिए लोड को कैरी करना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो आसानी से कैरी कर सकता है. तो इसीलिए हम एलिफेंट का यूज करके लोड को कैरी करते हैं. ओके, एनिमल होम्स. अब हम एनिमल्स के होम की बात करेंगे. लाइक अस एनिमल ऑल्सो नीड अ होम टू लिव. हमारी तरह एनिमल को भी एक शेल्टर की जरूरत होती है रहने के लिए. ओके, वाइल्ड एनिमल्स सच एज एलिफेंट, जिराफ रेस्ट अंडर ट्री. कौन कौन से वाइल्ड एनिमल? एलिफेंट और जिराफ, ये ट्री के नीचे रेस्ट करते हैं क्योंकि ये ट्री लीफ ही खाते हैं, तो ये ट्री के नीचे रेस्ट करते हैं. जब इन्हें भूख लगती है तो ये लीफ खा लेते हैं ऊपर, है ना. मंकी लीव्स ऑन ट्री. मंकी कहाँ लिव करता है? ट्री पे. मंकी भी ट्री पे रहता है और ट्री के फ्रूट्स खाता है ना. लायन लिव्स लिव इन डेन. तो लायंस जो होते हैं वो कहां पर रहते हैं? डेन में रहते हैं. बियर्स लिव इन केव्स. बियर्स कहां पे रहते हैं? केव्स में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, है ना. रैट स्नेक एंड रैबिट. रैट स्नेक और रैबिट ये बहुत ज्यादा छोटे एनिमल्स है. अभी तक हम जिनकी बात कर रहे थे वो बिग एनिमल थे, एलिफेंट जिराफ, है ना, मंकी लायन बियर, ये सारे बिग एनिमल्स हैं तो इनको बिग प्लेस चाहिए रहने के लिए. लेकिन रैट स्नेक रैबिट ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल एनिमल है, तो स्मॉल एनिमल्स को इतनी स्पेस नहीं चाहिए होती है रहने के लिए, तो ये छोटी सी जगह में भी रह सकते हैं. तो लाइक होल. स्मॉल एनिमल कहाँ पे रहते हैं? होल में रहते हैं. बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग. बर्ड्स जो होती हैं वो नेस्ट बनाती हैं एग ले करने के लिए एंड टू कीप देयर बेबी सेफ. और अपने बेबी को सेफ भी रखती हैं. अगर नेस्ट नहीं होगा तो उनका बेबी कहाँ पे सेफ रहेगा? नहीं रह पाएगा ना. तो इसीलिए बर्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेस्ट बनाती हैं अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसी में वो अंडे भी देती हैं. डोमेस्टिक एनिमल लिव इन शेल्टर्स. डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो शेल्टर्स में रहते हैं. ये सारे वाइल्ड एनिमल्स थे. अब हम डोमेस्टिक एनिमल की बात कर रहे हैं. डोमेस्टिक एनिमल जो कि हम जिनका घर हम बनाते हैं, है ना. अब अगर हम उनसे काम ले रहे हैं, हम उनका यूज कर रहे हैं, तो ये दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम शेल्टर ऑल्सो. ओके, सो डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो शेल्टर्स में रहते हैं जो कि हम बनाते हैं. काउ एंड बफेलोज शेड में रहते हैं. कहाँ पे रहते हैं? शेड में. डॉग्स एंड लायन कैनल्स. डॉग्स जो होता है वो कहाँ पे रहता है? डॉग्स लिव इन
कैनल्स, डॉग जो है वो कैनल्स में रहता है, हॉर्स आर कैप्ट इन स्टेबल, हॉर्स जो होता है वो स्टेबल्स में रहता है, ओके और हेन जो होती है वो कूप में रहती है। तो हर एनिमल का एक अलग अलग घर होता है। सो हेयर यू कैन सी द पिक्चर्स, हेयर लायन वॉज, वेयर इज लायन, इट इज इन हिज, इट इज इन डेन, हेयर इज अ बर्ड नेस्ट में, मंकी को देखिए ट्री में है, बियर को देखिए बियर केव में है, रैबिट ये देखिए बैरो में जा रहा है ना, दिस इज हॉर्स स्टेबल में है, काउ है शायद से ये है ना, नहीं हाँ दिस इज काउ, ये कहाँ पे है काउज और बफेलोस, ये बफेलो है तो बफेलो कहाँ पे है शेड में है, और ये डॉग कैनल में है, और ये हॉर्स ये स्टेबल में है ना। तो देखिए जितने एनिमल्स हैं इन सब का अलग अलग घर है, किसी का भी घर एक दूसरे से मैच नहीं करता है। बियर और लॉयन का ये थोड़ा सा इनका घर मैच करता है, लेकिन ये सब लोग एक अलग घर में रहते हैं, जैसे कि आप अपना डिफरेंट डिफरेंट होम बनाते। सो वी हैव डन विद दिस एंड इन अवर नेक्स्ट सेशन आई विल टोल यू अबाउट व्हाट एनिमल्स ईट। हैव अ ग्रेट डे।